के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। ये दिल में नफरत रखते हैं और एक दूसरे को माफ नहीं करते। जब कोई बंदा मरता है तो हर बंदा माफ कर देता है, क्या ऐसा करने से मुर्दे को फायदा तो हो जाएगा? जाहिर है जब आप माफ कर देंगे तो उसकी पकड़ नहीं होगी, लेकिन जिंदगी में ही माफ करें। इसके लिए आपको मैं एक बशारा सुना देता हूं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि जिसकी ख्वाहिश हो कि उसकी उम्र ज्यादा कर दी जाए और उसके रिज्क में फरावानी हो, चाहते हो सारे, तो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मेरा क्लिप भी है यूट्यूब पे, क्या दुआ से तकदीर बदल जाती है, उसमें मैंने ये हदीस बताई थी कि रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करना इंसान के रिस्क में इजाफा करता है और उसकी उम्र में बरकत दे देता है। तो इसकी वजह से लोगों का सिला रहमी करें, माफ करें लोगों को, माफ करने की रविश इख्तियार करें। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्या औरत की इद्दत अपने खावंद के जनाजे के नीचे से गुजरने पर खत्म हो जाती है? कुरान और सुन्नत से वजाहत करें। कुरान और सुन्नत से क्या वजाहत करें? ऐसा पुठा सवाल लिख के भेजा दे अल्लाह दे बंदे हो, तो अपने माशरे च ही होता है। इद्दत तो उदू ही खत्म होनी है। इद्दत खत्म होने के दो ही जरिए हैं, या तो वो औरत का यानी वो डिलीवरी वाला इशू हो जाए, या फिर वो बेवा है तो 4 महीने 10 दिन गुजर जाए, और मुतल्लिका है तो 3 तोहर यानी 3 हैज के बाद वो पाक हो जाए। ये जनाजा खामन के जनाजे के नीचे गुजरने से इद्दत खत्म हो जाती है। तोबा तोबा तोबा, ये किसने यानी ये तो किसी के नज़दीक भी नहीं है, बिल्कुल फ्रॉड मसला बनाया किसी ने। मुंह से तोड़कर कुत्ता खाता है, क्या ऐसे खा सकते हैं कुरान सुन्नत की रोशनी में? कुत्ता तो जो है वो तो हड्डी भी चूस के यानी फेंक देता है और इंसान भी हड्डी चूस के फेंक देता है, इसका मतलब हड्डी चूसना भी छोड़ दें। ऐसी कोई कुरान हदीस में ममानत नहीं आई है। बास का दांत से तोड़ना पड़ जाता है जब बोटी सख्त हो, तो इसमें कोई ममानत नहीं आई है।